एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा होली स्पेशल टब बनाना सिखाऊंगी। तो होली स्पेशल टब बनाने के लिए मैं किस तरीके के बेस का यूज़ करूंगी, ये बेस भी मैंने बाय हैंड्स बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने च्यवनप्राश का डब्बा लिया और उसको नीचे से कट कर लिया जितना मुझे टब चाहिए था। उसके बाद मैंने इसको ऊपर से इस तरीके से कर्व में कट कर लिया है। आप भी इसे बहुत इजीली कट कर सकते हैं, तो आप इसमें कोई भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर्व बनाया है, आप चाहें तो सिंपल भी छोड़ सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग आप इसमें डिज़ाइंस दे सकते हैं। तो मैंने मेरे पहले के वीडियोज़ में भी आप सभी को लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सी चीज़ें बनाना सिखाया था, जैसे कि होली स्पेशल बकेट एंड पिचकारी, और उनके लिए मैंने इस तरीके के सुंदर से टब बनाना भी सिखाया था। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। तो चलिए अब हम टब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बेस को कम्प्लीटली नेल पेंट की मदद से कलर करेंगे। तो आप कोई भी कलर की नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर रेड कलर की नेल पेंट का यूज़ करूँगी। तो देखिए हमें इसे कुछ इस तरीके से पेंट करना है। आप नेल पेंट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, आप 2-3 कलर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं या फिर एक सिंगल कलर का भी यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैंने पहले भी लड्डू गोपाल जी के लिए होली स्पेशल बहुत सी चीज़ें बनाना सिखाया था, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो देखिए हमें इस तरीके से इसको अच्छे से नेल पेंट की सहायता से पेंट करना है। तो देखिए इस तरीके से नेल पेंट की सहायता से मैंने इसको अच्छे से पेंट कर लिया है। हमें इसके आउटर पोर्शन से इसको अच्छे से पेंट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं टब की डेकोरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टोन लेस चाहिए, ये मैं सिल्वर कलर की यूज़ करूँगी। देन हमें चाहिए हाफ कटेड पर्ल्स एंड हमें चाहिए इस तरीके के कतली शेप के मिरर्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे टब का ये नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे हम अपनी स्टोन लेस को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टोन लेस लगा ली है। अब मैं हाफ कट पर्ल्स लूँगी और उसके बाद जो ये हमारा एक एक कर्व है इसके इस पोर्शन पे ग्लू लगा के एक एक हाफ कट पर्ल को इस तरीके से पेस्ट करूँगी। ऐसे ही हमें करते रहना है, यहाँ पर ग्लू लगाना है और उसके बाद एक एक हाफ कटेड पर्ल हमें पेस्ट करना है। ये चीज़ हमें पूरे में रिपीट करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे हाफ कटेड पर्ल्स लगा लिए हैं। अब मैं मिरर्स लूँगी और उनको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल वे में अपने मिरर्स को भी अच्छे से पेस्ट कर लिया है और ये हमारा सुंदर सा काना जी का होली स्पेशल टब बिल्कुल तैयार है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके की टब अपने घर पर ज़रूर बनाएँ और अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलें, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। आप उनके लिए पूरा सेट ज़रूर तैयार करें, पिचकारी बकेट टब ज़रूर बनाएं। तो देखिए इस तरीके से हम उनके साथ होली खेल सकते हैं और ये मैंने उनके लिए पिचकारी भी तैयार की है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ इस यूज़फुल से वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे आगे आने वाले सारे लेटेस्ट क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के पास सबसे पहले जाएँ। So thanks for watching, bye, and happy Holi to all my dear friends. Hare Krishna!